उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंगल ने लाइन बाजार थाने में अपहरण व रंगदारी मांगने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। इसके बाद पुलिस ने रविवार की देर रात पूर्व सांसद को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। सीजीएम ने पूर्व सांसद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दे दिए हैं। वहीं पूर्व सांसद ने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए प्रदेश के राज्य मंत्री गिरीश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है जो यहाँ जौनपुर में एसटीपी का कार्य कर रही है। इसके जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने सूचना दी कि कल कुछ गुंडे उसको गाड़ी में डालकर उठा करके ले गए और धनंजय सिंह के घर पर लेके गए। वहां जाकर धनंजय सिंह ने इसको पिस्टल दिखाई, डराया धमकाया और कहा कि जो सप्लाई है इसमें वो सप्लाई हमसे लो। उसने यही बताया कि धनंजय सिंह ने उसके जो मालिक है उसको भी फोन किया, उसको भी वहां धमकाया और उसके पश्चात एक जेई है जल निगम के उसको भी वहां बुलाया, उसको भी सप्लाई में मदद करने के लिए कहा गया। इस सूचना के आधार पर थाना लाइन बाजार में पंजीकृत किया गया, इसमें धनंजय सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे विधि कार्रवाई की जा रही है। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।